केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने की अर्थ प्रकाश के प्रधान संपादक महावीर जैन से सीधी बात। विस्तार से बताया मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के बारे में। उन्होंने बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले बिंदु रखे। देखें पूरी बातचीत का ब्यौरा। जी नमस्कार जैन साहब। हाँ नमस्कार, अल्लाह कैसे हो? बढ़िया जी, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है सर, आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसई सेक्टर के लिए जो 3 लाख करोड़ की राहत दी गई है जी, वह तो लोन दिया जा रहा है, वो पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा क्लाइंट को, जो उसका ब्याज है वो तो देना पड़ेगा उसको जी। तो फिर आर्थिक पैकेज में मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर क्या राहत मिले? देखिए दो बातें हैं जी, एक तो 100% भारत सरकार की गारंटी पर जी 3 लाख करोड़ रुपया व्यवसाय करने वालों को, जिनमें मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग भी आते हैं जी, इनके लिए मिलेगा जी। और इसमें पहले 12 महीने मॉरेटोरियम पीरियड होगा इंटरेस्ट के लिए जी, और मात्र 7.5% इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा। ओके, तो ये ना गारंटी व्यापारी को देने पड़ेगी ना कोलेटरल देना पड़ेगा जी। दूसरा, ब्याज दर मात्र 7.5% होगी जी। तीसरा, 12 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड होगा जी। तो आजकल जो संकट की घड़ी में 20% एक्स्ट्रा कैपिटल दे रही है केंद्र सरकार जी। इससे काम भी चलेगा और एक साल तक कोई ब्याज की किस्त भी नहीं देनी पड़ेगी जी। तो ये जो 4.5% कहा, 7.5% कहा जी? 7.5%। ओके, अच्छा सेकंड ये था, जो इस पैकेज में अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे लाभ मिलेगा? देखिए जो 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जी, इनका पीएफ का पैसा केंद्र सरकार ने जमा कराया इनके खातों में। ओके, 24% पैसा जी। और इसके अलावा ये जो अभी पैसा दिया है 3 लाख करोड़ जी, ये भी रोजगार जो कंपनियां देती हैं ये छोटे उद्योग हैं जी, तो उनको जब 20% एडिशनल कैपिटल आएगी, मान लीजिए आपकी 25 करोड़ की बैंक की लिमिट है जी, तो आपको अब 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है जी। आपकी 10 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है तो आपको 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो इसीलिए मिल रहा है कि आप अपना कामकाज भी चला सके और नौकरियों में पैसे भी दे पाए उनको जी। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उनका ये कहना है कि जी काम धंधे है नहीं, हम होम लोन लेके इंटरेस्ट इतना कैसे दे पाएंगे? देखिए आज से 2 महीने पहले किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। आज से 15 दिन पहले भी पता नहीं था कि लॉकडाउन खुलेगा जी, लेकिन खुला तो बहुत सारे काम चलने शुरू हुए, दुकानों से लेकर छोटे छोटे उद्योग चलने शुरू हुए जी। और ऐसा ऐसे में जैसे और राहत मिलती जाएगी, लोग और जागरूक होते चले जाएंगे जी, तो निश्चित तौर पर काम में और तेजी आएगी। और इसीलिए ये सहयोग इन सबका किया गया कि काम में वापस से तेजी आए जी। एक थर्ड प्रश्न था, केंद्र की तरफ से जो जीएसटी का राज्यों को बकाया पैसा इसी पैकेज में शामिल है? नहीं नहीं, वो अलग से है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने राज्यों को सबसे पहले 11,000 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए दिया जी, फिर पिछले 2 महीनों में 92,077 करोड़92,077 करोड़ ये केंद्रीय कर में से हिस्सा दिया, जबकि हमारा अपना कर इतना इकट्ठा नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद दिया जी। और फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कमी थी उनके रेवेन्यू में, उसके बदले में केंद्र सरकार ने मदद की जी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में से 1,000 करोड़ अलग से दिया जी। और वेज एंड मींस एडवांसेस इसमें 60% की वृद्धि की है जी। और जो FRBM एक्ट के अनुसार 3% पैसा राज्य ले सकते थे जी, उसको 5% कर दिया जी।
अब इससे 4.25 लाख करोड़ रुपया राज्यों को अतिरिक्त मिलेगा। नहीं, मेरा तो था जैसे पंजाब आरोप लगा रहा है 4400 करोड़ रुपया अभी उनका कागर बाकी पड़ा है अब तक नहीं, अगर वो दे दें तो कागर वो काफी इसमें राहत मिल जाएगी उनको। देखिए, अगर हम अपना पैसा कम इकट्ठा होने के बावजूद ज्यादा पैसा पंजाब के हक और बाकी राज्यों का दे सकते हैं, केंद्र सरकार 7,80,000 करोड़ का कर्ज इस वर्ष लेने वाली थी, अब हम 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं। हमने कर्ज बढ़ाया अपना ताकि राज्यों को कोई कमी ना आने दे। लेकिन ये जो जीएसटी का है, ये जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि इसका क्या तरीका है। क्योंकि आज तक जितना कंपनसेशन सेस बनता था हमने नवंबर महीने तक सारा दे चुके हैं। जी। अच्छा, फोर्थ है जो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ छोटे व लघु व्यापारियों को नहीं मिलता। किसमें? जैसे आरबीआई का है जो छोटे रेपो रेट का है उसका जो कटौती लाभ छोटे जो छोटे व्यापारी हैं सभी को ही मिलता है। ओके। देखिए, पिछले जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी 2019 से लेकर अब तक बैंक का इंटरेस्ट रेट 6.5% से कम होता होता 4% पे आ गया है, जो रेपो रेट होता है बेसिस पॉइंट से। इसमें फिर बैंक अपना खर्चा और बाकी सब गिन के फिर आपके लोन देती है। इसमें 250 पॉइंट की कटौती बहुत बड़ी है एक साल के अंदर। ठीक। एक जो खुदरा व्यापारी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, संकट की हर घड़ी में लॉकडाउन के बावजूद खुदरा व्यापारियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों तक जरूरत का सामान मुहैया कराया है। जी। प्रधानमंत्री जी ने भी खुदरा व्यापारियों की मदद की थी। जी। लेकिन राहत पैकेज में इन खुदरा व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, सभी के लिए ही है ना। नहीं, कैसे? जो दिया हमने है, जैसे 25% TDS की कटौती की और TCS की कटौती की। जी। अब ये कम देना पड़ेगा उनको, तो 50,000 करोड़ रुपया वो एक्स्ट्रा जाएगा। जी। इसी तरह से ये जो पैसा हमने 3 लाख करोड़ एक दिया उसमें से भी मिलेगा, और जो इसके अलावा हमने 2 फंड और एक 20,000 करोड़ एक 50,000 करोड़ का और बनाया। जी। उसमें जिनके खाते NPA भी हो गए थे उनको भी अपनी कंपनी में इक्विटी देने के लिए 15% तक इक्विटी का प्रावधान किया, जो 75 लाख रुपए तक एक एक उसको मिलेगा यूनिट को। जी। तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उसमें जो एक्चुअली दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग व्यापारी आते हैं, लोग कहते हैं जो बैंकिंग जो बैंक है आपके, जो छोटा व्यापारी जाता है उनके पास क्या करें लोन लेने के लिए, उनको ये कह दिया जाता है MSME में है तो फिर तो हम कह रहे हैं आपको लोन दे देंगे, आप व्यापारी है, व्यापारी को हम नहीं लोन देंगे। इस तरह की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो व्यापारियों का है। नहीं, क्या दिक्कत आती है उसमें? जैसे सपोज करो कोई व्यापारी लोन लेने के लिए गया बैंकों में, तो बैंक वाले उनको क्लियर कह देते हैं कि भी आप MSME में अगर आते हो, इंडस्ट्री में छोटे मोटे हो, तो हम आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, तो इसमें इसमें देखिए ना, कैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। पहले क्या होता था, सर्विस सेक्टर की अलग गिनी जाती थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग गिना जाता था। ठीक है। अब हमने क्या किया, नई परिभाषा जो है उसमें मान लीजिए सूक्ष्म उद्योग है, माइक्रो इंडस्ट्री, तो उसको पहले 25 लाख की इन्वेस्टमेंट तक को गिनते थे। जी। हमने उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट तक का कर दिया और 5 करोड़ तक की टर्नओवर तक की सीमा बढ़ा दी। जी। तो इससे उनका व्यापार का आकार और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। जी। इससे MSME का व्यापार और आकार दोनों बढ़ेंगे। जी। तो MSME में अब आपके जो दुकानदार हैं वो भी इसी में ही आते हैं, जो ट्रेडर हैं। लेकिन उनको जो लोन लेते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बैंकिंग जो उनको वापस लुटा देते हैं। नहीं, आपको उदाहरण बताइए, अभी मंगलवार को तो नोटिफिकेशन हुई है। okay. और पहली जून को हमने बैंकों की रिव्यू रखा है कि किस बैंक की कौन सी ब्रांच से जी कितना कितना पैसा उन्होंने दिए छोटे मतलब खुदरा व्यापारियों को। जी। एक जो इसमें मेरा ये था, अगर पेट्रोलियम विभाग को कुछ दे दिया रखा
तो उसे डीजल पेट्रोल के दामों में कटौती होती तो महंगाई पर कुछ हद तक काबू किया जा सकता था जब खपत ही पहले से कम हो गई जी, ना के बराबर हो गई। देखिए देश का इतना बड़ा खर्चा चलाना सब कुछ करना है जी, जी तो हमने पहले से महंगा तो कुछ नहीं किया। 9 करोड़ 9 हजार करोड़ रुपया 7 करोड़ बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर भरवा कर दिए जी, फिर 20.5 करोड़ जनधन खाता धारकों के खाते में 21 हजार करोड़ रुपये डाल कर दिए और 2.82 करोड़ जी वृद्ध विधवा दिव्यांग को 2800 करोड़ रुपये दिए, 9 करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये दिए जी, और अब मनरेगा में 1,01,000 करोड़ रुपये का बजट हमने कर दिया है। ओके तो इससे 300 करोड़ जी मैन डेज और बढ़ेंगे, काम के दिन और बढ़ेंगे जी। इसके अलावा ये जो कृषि वाले हैं जी, किसान भाई, इनका हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी एक्ट दोनों को बदलने की बात कही है जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी जी। एक मंत्री जी मेरा मतलब पर्सनल कह लो या मतलब तो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर है जी, इस कोरोना में बड़ी संकट से गुजरा है स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर मीडिया हाँ जी, मीडिया इंडस्ट्रीज जी जी, उसके लिए कोई राहत की मतलब कोई नहीं? मुझे लगता है अभी कई क्षेत्रों के लिए अभी भी सुझाव आ रहे हैं जिनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है जी, तो जैसे जैसे भविष्य में जरूरत पड़ेगी बाकियों के लिए कदम भी उठाएंगे जी। अच्छा एक और कुछ लोग आए थे पीछे मेरे पास, उनके प्रेस नोट भी आए थे, जो इंडस्ट्रीज है उनका ये कहना था जो इम्प्लाइज है जब ESI जिन पर लागू होती है अगर वो छुट्टी लेते हैं 75% ESI वाले देते हैं जी, अब 2 महीने जो लॉकडाउन के दौरान उनकी छुट्टी ट्रीट की गई है जी, ऐसा कोई प्रोविजन भी हो कि ESI मतलब उनको 75% इम्प्लाइज को, इम्प्लाइज जो है इंडस्ट्रीज के ESI उनको छुट्टी ट्रीट करके 75% वो देने की प्रोविजन है कोई? नहीं EPF में से है ना, EPF नहीं ESI जो ESI में से नहीं है जी, EPF में से दे रहे हैं उनको 75% की अनुमति दी है। अच्छा दे दिया जो एम्प्लॉय को छुट्टी ट्रीट करके जी। ओके ओके चलो बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।